एंड वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं आपकी फ्रेंड ईशा। तो आज मैं लेके आई हूं साबुदाने के नगेट्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो ये सभी को बहुत पसंद आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। साबुदाना के नगेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप साबुदाना ले लिया है और यहाँ पे चार मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम साबुदाना को पीस लेंगे। यहाँ पे हमने साबुदाना को पीस लिया है और इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। और यहाँ हमने हाफ कप मूंगफली पाउडर लिया है, जिसे हमने रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंड कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा लेंगे, आधे नींबू का रस लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, थोड़ा सा अदरक लिया है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, और 2 ग्रीन चिली लेंगे। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है, बर्तन ले लिया है सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छा बॉईल कर लिया और हाथों से अच्छा मसल लिया। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा पाउडर ऐड नहीं करेंगे, 1 कप हम यहाँ पे 3/4 कप ही ऐड करेंगे, क्योंकि 1 कप बहुत ज़्यादा हो जाता है इस नाश्ते के लिए, तो इतना पाउडर अब हम बचा लेंगे। अब हम इसमें मूंगफली पाउडर ऐड करेंगे, ये हमारे नाश्ते में अच्छा क्रिस्पीनेस लाएगा। जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक ऐड करेंगे और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आएगा हमारे उपास के नाश्ते में। धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश धनिया, और आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सेंधा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि इसे हम उपास के लिए बना रहे हैं और नमक एज पर आप टेस्ट ऐड करें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी को हम हाथों से मसल लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है और इसका एक हमने डो बना लिया। तो हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से और इसका एक गोल पेड़ा बना लेंगे। ये हमने स्टफिंग के 2 पेड़े बना लिए हैं, तो अब हम इन्हें रोल कर लेंगे। हमने चकला ले लिया, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं चकले में और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे रोल की तरह। ये हमने रोल बना लिए हैं, तो अब हम इसे चाकू से कट करके इसके पीस कर लेंगे नगेट्स बनाने के लिए। इस तरीके से हम इसके पीस करते जाएंगे। इस तरीके से रोल कर लेंगे, प्लेन कर लेंगे चिकना, और फिर से दोनों साइड से इस तरह से टैप करके इसे हम छोटे से नगेट्स का शेप दे देंगे। ये नगेट्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। नगेट्स को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें नगेट्स ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम करके इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, तो इसे कुछ देर बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे। जैसे ही ये फ्राई होंगे एक साइड से, हम इसे हम दूसरी साइड से फ्लिप कर देंगे। तो इसे आप हाई फ्लेम में फ्राई ना करें, नहीं तो ये बाहर से तो अच्छे फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। ये नगेट्स हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे दूसरी साइड से फ्लिप कर लेते हैं। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये नगेट्स हमारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुके हैं और अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है इसमें। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे साबुदाना के क्रिस्पी नगेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, तो जब कभी आपका मन करे आप इसे बना के तुरंत ही खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।